अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़। भगवंत मान ने संसद के अंदर वीडियो किया शूट, वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। विवादित वीडियो पर भगवंत मान ने दिया गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा सिर्फ मेरे वीडियो से नहीं हो सकता, संसद की सुरक्षा से खिलवाड़, बोले कल फिर बनाऊंगा ऐसा ही लाइव वीडियो। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार होगा और आसान, सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया उद्घाटन, पीएम ने कहा आतंकी लड़ाई में बांग्लादेश के साथ। संसद में बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने बताया बुरहान वानी को हिजबुल का आतंकी, कहा हत्या मारपीट और सुरक्षा बलों से हथियार छीनने के 15 केस थे दर्ज। कश्मीर को राजनाथ सिंह ने बताया भारत का मुकुट, पाकिस्तान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान की वजह से। सरकार अकेले नहीं सुधार सकती कश्मीर के हालात, सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, संसद में राजनाथ सिंह का बयान, कहा एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने में सुलझाएगी पैलेट गन का विकल्प। विदेश में रहते हुए भी पीएम मोदी कश्मीर के हालात पर थे चिंतित, लगातार दे रहे थे सुझाव, वापसी के बाद पहली मीटिंग थी कश्मीर मुद्दे पर, संसद में गृह मंत्री का बयान। कश्मीर में सुरक्षा हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में बुलाई सर्वदलीय बैठक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक का किया बॉयकॉट। कश्मीर में 13वें दिन भी तनाव बरकरार, कई जिलों में आज भी दिन भर जारी रहा कर्फ्यू, राज्य सरकार की इजाजत के बावजूद 4 जिलों में नहीं खुले स्कूल। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप, तंज कसते हुए कहा कि देश में अस्थिरता लाना चाहती है कांग्रेस। संसद में दलित कार्ड खेलने को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा उना मामले के साथ साथ रोहित वेमुला खुदकुशी का मामला उठाया और मायावती पर अभद्र टिप्पणी के लिए केंद्र पर साधा निशान। गुजरात के ऊना में दलित पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से ली मामले की पूरी जानकारी, बोले देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। बृंदा करात ने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर निशाना साधा, कहा गौ रक्षा समिति के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, सभी पार्टियों को देना चाहिए कड़ा जवाब। मायावती पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दयाशंकर सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार, यूपी के बलिया में दयाशंकर के घर पुलिस का छापा, गोरखपुर जाने की खबर। दलितों के उत्पीड़न के लिए मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, खुद को बताया दलितों की देवी, बोली बीजेपी ने दिल जीतने का मौका गंवाया। दयाशंकर सिंह के विवादित बयान पर बीएसपी विधायक उषा चौधरी ने भी तोड़ी मर्यादा, दयाशंकर के डीएनए में बताई गड़बड़ी, कहा लगता है दयाशंकर है परिवार की अवैध संतान। मायावती पर विवादित बयान को लेकर चंडीगढ़ में भी बीएसपी का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में बीएसपी अध्यक्ष ने दयाशंकर पर रखा इनाम, बोले दयाशंकर की जीभ काटने वाले को मिलेंगे 50 लाख रुपए। दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ में बीएसपी का जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता, पुलिस ने राज्य में सुरक्षा बढ़ाई। लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ता ने दयाशंकर सिंह का पुतला फूंका, पुतला फूंकने पर बीएसपी के 2 कार्यकर्ता झुलसे। मायावती पर दयाशंकर की अभद्र टिप्पणी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, बीएसपी ने जंतर मंतर पर की नारेबाजी। दयाशंकर के बयान पर बीएसपी का पूरे देश भर में प्रदर्शन, अहमदाबाद में भी जताया विरोध, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दयाशंकर को लेकर बीजेपी ने बीएसपी पर लगाया सियासत करने का आरोप, कहा माफी के बाद दयाशंकर को पार्टी से निकाला, केशव प्रसाद ने कहा यूपी के बच्चे बच्चे को खबर, मायावती पैसे लेकर देती है टिकट। दिल्ली में अफ्रीकी देश कांगो के एक शख्स की हत्या, राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, कहा नस्लीय भेदभाव का मामला नहीं। कश्मीर पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग के लिए साक्षी महाराज ने की तारीफ, कहा जी न्यूज ने देश को दिखाया कश्मीर का सच। कश्मीर में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, झेलम नदी में गए एक लड़के को बचाया, 2 रेस्क्यू बोट्स और पैरा बटालियन के डाइवर्स ने मिशन को अंजाम दिया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी की मौत पर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में भी उठाया मुद्दा, चुनाव आयोग से की आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर दिल्ली में अकाली दल का विरोध, अकाली दल की महिला विंग ने सीएम केजरीवाल का मांगा इस्तीफा, कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क। कश्मीर के हालात पर जम्मू में एबीवीपी का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जताया विरोध, पाकिस्तान का पुतला भी फूंका।
लखनऊ में राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेस का मौन धरना, गुजरात और लखनऊ में दलितों के खिलाफ मामले पर जताया विरोध। यूपी चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की बड़ी तैयारी, असहिष्णुता के मुद्दे पर बनाई रणनीति, अवार्ड लौटाने वाले लोगों से करेंगे मुलाकात। यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों बांटे गए ई रिक्शा को लेकर विवाद, रिक्शा बांटने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत, लोगों ने ज्यादा पैसे वसूलने का लगाया आरोप। यूपी चुनाव में कांग्रेस खेलेगी आरक्षण कार्ड, स्वर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने की करेगी मांग, घोषणा पत्र में हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। 24 हफ्ते की गर्भवती महिला के गर्भपात को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कन्हैया कुमार को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब, कन्हैया ने महिला दिवस पर दिया था महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण। घर के नालंदा में फहराया गया पाकिस्तान का झंडा, पुलिस ने दर्ज किया मामला, एक महिला गिरफ्तार, आरोपी पति अब तक फरार। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पोस्टर, पोस्टर में लिखा देश में मोदी, प्रदेश में योगी, योगी आदित्यनाथ को दिखाया प्रदेश का बादशाह, कल होनी है पीएम की रैली। बिहार में टॉपर स्कैम की जांच जारी, एसआईटी ने बीएसईबी के 6 कर्मचारियों को किया हिरासत में लिया है, 42 छात्रों के दोहरे रजिस्ट्रेशन के मामले में भी पूछताछ। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों की खुदकुशी को लेकर विधानसभा में मंत्री ने दिया अजीबोगरीब बयान, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आत्महत्या के पीछे बताया भूतों का हाथ। गंगोत्री गोमुख ट्रेकिंग मार्ग 4 दिन से बंद, सैकड़ों कांवड़ियों समेत फंसे हुए लोगों को बचाने का काम जारी। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में नए सेशन से पहले रैगिंग पर लगाम लगाने की तैयारी, कैंपस में रैगिंग को लेकर एडवाइजरी जारी और हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। दुबई से अमृतसर आए स्पाइस जेट के विमान में मिला संदिग्ध बैग, विमान को खाली जगह पर ले जाकर की गई तलाशी, बैग से नहीं मिली कोई विस्फोटक वस्तु। पंजाब की बादल सरकार ने शुरू की किसानों की बीमा योजना स्कीम, भगत पूरन सिंह नाम से है योजना, स्कीम के तहत किसान को 5 लाख रुपए का मिलेगा बीमा। राजस्थान की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में दूसरे दिन भी मजदूरों की हड़ताल जारी, गायों को नहीं दिया जा रहा है चारा, मजदूर कर रहे वेतन की मांग। राजस्थान के जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में तैनात दर्जनों होमगार्ड्स का स्थानीय पुलिस चौकी के बाहर धरना, चौकी के कांस्टेबल ने ट्रॉमा सेंटर में होमगार्ड को मारा था थप्पड़। हैदराबाद में जानवरों पर क्रूरता का वीडियो आया सामने, मुशीराबाद में नाबालिग लड़कों ने मिलकर 3 पपी को जिंदा जलाया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 8 नाबालिगों को गिरफ्तार। हैदराबाद के नामपल्ली में कुत्ते से दरिंदगी का एक और वीडियो हुआ वायरल, एक शख्स ने कुत्ते का बिना किसी वजह गोली मारकर किया शिकार, गोली लगने से हुई कुत्ते की मौत।